नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। तो आज का हमारा टॉपिक, इसमें मेनली हम लोग तीन टॉपिक डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो इंडोक्राइन सिस्टम एक तरह का क्या है, नेटवर्क है। वो भी किसका नेटवर्क? तो ग्लैंड्स का और ऑर्गन्स का नेटवर्क है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, क्या सिक्रेट करता है। तो ये एक केमिकल मैसेंजर को सिक्रेट करता है, जिसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। यानी एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं, वो ऐसे ग्लैंड्स को कंटेन करते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं। वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम, यानी डायरेक्टली हमारे खून में अपने जो भी सिक्रीशन है, जो भी हार्मोन्स है, उन्हें रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं, वो केमिकल मैसेंजर हैं, एक तरह के प्रोटीन्स कह सकते हैं, स्टेरॉयड हैं, ठीक है, जो कि जो टारगेट साइट है वहाँ जाके अपना काम करती हैं। तो हम लोग अगर ऊपर से नीचे, सिर से पांव तक देखें, तो उनमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये क्या करती है, अपना जो भी प्रोडक्शन है, जो भी सिक्रीशन है, वो भेजती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये कहाँ होता है? हमारे फोरब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फोरब्रेन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होगा, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस का देखें तो इसका फंक्शन देखें तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, हमारे भूख को, हमारे वजन को रेगुलेट करेगा, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कब सिक्रेशन करना है, कब रोकना है, यानी स्टार्टिंग और उसका जो स्टॉपिंग का, जो रोकना और स्टार्ट करना, ये जो फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखें पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये क्या है, मटर के आकार की होती है और ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है, इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक क्रैनियल कैविटी में, यानी एक कैविटी में प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेला टर्सिका, ठीक है, बोनी कैविटी है, हड्डी नुमा कैविटी, जिसे हम लोग कहते हैं सेला टर्सिका। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके दो लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब में लगभग 7 हार्मोन्स होते हैं, जिसमें FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, A से ACTH यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, T से TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और हमारा P से होता है PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन, फिर हमारा MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, जी से ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर लोब के द्वारा सिक्रेट होते हैं। अगर हम देखें पोस्टीरियर लोब, तो पोस्टीरियर लोब में क्या होता है कि एंटी डायुरेटिक हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसे हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन होता है, जो कि यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन में, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है उसके डायलेशन में, उसे डायलेट कर देता है डिलीवरी के टाइम, बेबी बर्थ जब होता है उस टाइम, ठीक है। और मिल्क इजेक्शन में हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम लोग अगर पीनियल ग्लैंड देखें, तो पीनियल ग्लैंड क्या है, ये भी मटर के आकार पी साइज होती है, स्मॉल ग्लैंड है, और ये जो है मेलाटोनिन नामक हार्मोन को सिक्रेट करती है, जो कि हमारे कलर के लिए, स्किन पिगमेंटेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और हमारे सोना जगना ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी स्लीप एंड वेक साइकिल के लिए। उसके बाद नेक में हमारा थायरॉयड ग्लैंड होता है। तो थायरॉयड ग्लैंड क्या है? थायरॉयड ग्लैंड जो है वो एक तरह का बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। ये 3 हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, जिसमें हमारा T3 ट्राइआइडोथायरोनिन और T4 टेट्राइडोथायरोनिन, जिसे थायरोक्सिन भी कहते हैं, और कैल्सिटोनिन होता है, ठीक है। और थायरॉयड का ये 3 हार्मोन आप याद रखिए, ये 3 हार्मोन मेनली थायरॉयड सिक्रेट करता है। थायरॉयड का काम क्या है कि ग्रोथ मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, और कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा। फिर पैराथायरॉयड जो हैं वो 4 होते हैं, 4 इन नंबर, ठीक है, 2 पेयर में होते हैं, यानी थायरॉयड के चारों कोनों पे क्या रहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। और पैराथायरॉयड जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, और ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। उसके बाद थायमस जो होता है वो मेडियास्टिनम, यानी मेडियास्टिनम में होता है, और ये स्टर्नम के पीछे होता है, और ये भी लगभग बटरफ्लाई शेप्ड होता है। और थायमस जो है थायमोसिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, और ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी बचपन में जब बर्थ होता है बच्चों का, यानी बर्थ के टाइम में ये लगभग 10 से 15 ग्राम का होता है, और जैसे जैसे एज होगा, इंक्रीज करेगा एज, वैसे वैसे इसका साइज छोटा होते जाएगा, ठीक है, ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हम देखें तो पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाज जो है हमारा
येलोविश कलर का होता है और ये ड्यूडेनम के कर्व में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कंटेन करेगा, एंड इसके जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो 3 सेल्स कंटेन करते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा ग्लूकागोन को सिक्रेट करता है और जो बीटा है वो इंसुलिन को, और जो गामा है वो सोमैटोस्टेनिन को। तो इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो शुगर लेवल है, कम कर देगा, ग्लूकागोन बढ़ा देगा, सोमैटोस्टेनिन उन दोनों को बैलेंस करेगा, मेंटेन करेगा। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड आते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड का क्या है, सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहते हैं, और ये जो किडनी है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसका जो होता है दो पार्ट होता है, कॉर्टेक्स मेडुला। तो कॉर्टेक्स जो होता है 3 हार्मोन सिक्रेट करता है। पहला जो है वो है कॉर्टिसोल, जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करेगा, मेटाबोलाइट जो भी हैं वो उन्हें मेटाबोलाइज करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गए, यानी मिनरल इलेक्ट्रोलाइट्स को जो मेटाबोलाइज करता है वो हमारा एल्डोस्टेरोल, और जो तीसरा है वो एंड्रोजन यानी कि सेक्स हार्मोन। उसके बाद हमारा आता है एड्रिनल ग्लैंड में मेडुला, यानी दूसरा पार्ट एड्रिनल ग्लैंड का। तो मेडुला जो है वो नॉरएडीआर और एडीआर, यानी एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन, जिसे हम लोग नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं, इन दोनों को साथ में कैटाकोलामाइंस कहा जाता है। और ये जो हैं हमारे वो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हमारे बीपी को कंट्रोल करेंगे, कभी अगर हम लोग डर गए, गुस्सा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये उस कंडीशन को हैंडल करेगा। फिर होता है कि ओवरी जो है वो किस में होता है, फीमेल बॉडी में होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये जो है दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और इन दोनों का काम जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, ओव्यूलेशन के टाइम और फिर प्रेगनेंसी के टाइम होता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटम का मेंटेनेंस करना और जो भी यूट्रस का वाल वगैरह ठीक करना, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को अच्छे से फॉर्म करना, ठीक है, ये सब ओवरी के जो हार्मोन से वो करते हैं। ओवरी जो है वो एक भी प्रोड्यूस करता है, जो कि स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके एक नया न्यू जो होते हैं वो जायगोट फॉर्म करता है। फिर टेस्टिकल जो होते हैं वो मेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, और इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और दूसरा है कि ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो यही मेनली हमारे क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। और जो एकदम बेसिक सा होता है कि कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, क्या फंक्शन होंगे, 2-3 पॉइंट इतना बस लिख दीजिए, उसके आगे इसमें कुछ भी नहीं लिखना। और अदर कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, जिसमें हमारा हर्ट आता है, जो कि ANF नामक हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक है, एड्रियल नैट्रीयूरेटिक फैक्टर, ठीक है। और जो हमारा किडनी है वो इराइथ्रोपोएटिन कैल्सिट्रोल नामक हार्मोन को सिक्रेट करता है, और जो स्टमक है उसमें गैस्ट्रिन सिक्रेटिन कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं। तो ये सभी कुछ एक्स्ट्रा हैं जो कि आपके पास नॉलेज हैं तो प्लस पॉइंट हैं। इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन सिक्रेट करती है। हार्मोन का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारा काम है हार्मोन्स का, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट जो है, फिर आपका जो रिप्रोडक्शन का भी काम है वो भी, फिर आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, भूख लगना, स्किन पिगमेंटेशन, स्लीप एंड वेक साइकिल, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, यानी स्ट्रेस के कंडीशन में, फिर हमारा ग्रोथ, फिर जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि इस हार्मोन्स के चलते होते हैं हमारे बॉडी में। तो ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में नॉलेज होना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, जो कल एग्ज़ाम है उसमें आप सभी अच्छे करिए। And thank you for watching my video.